नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने के बता दें, ये वही 4 सीट हैं जहां के विधायक अब लोकसभा चुनाव जीत कर संसद पहुंच चुके हैं और ये सीट खाली हो चुके हैं। अब इन खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव किया जा रहा है। बता दें ये 4 सीट तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की सीटों के उपचुनाव के लिए अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है जो 25 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके बाद इन सभी 4 सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि इन सभी सीटों पर एक और जहां एनडीए अपनी प्रत्याशी उतार रखी है तो दूसरी ओर महागठबंधन भी तैयारी में है। इसी के साथ साथ जन सुराज भी इसे लेकर तैयारी में है और एक सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात पहले ही कह चुका है। भोजपुर जिले की तरारी, कैमूर की रामगढ़ और गया की इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर एनडीए में फॉर्मूला तय हो चुका है। तरारी और रामगढ़ पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बेलागंज जदयू तो इमामगंज हम के प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। बता दें महागठबंधन में 3 सीटों पर आरजेडी के लड़ने के आसार है, जबकि तरारी सीट पर सीपीआई माले अपना कैंडिडेट उतार सकती है। इसी के साथ प्रशांत किशोर की इसी महीने बनी जन सुराज पार्टी ने तरारी से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कृष्ण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। पीके की पार्टी शुक्रवार शाम में बेलागंज और इमामगंज में भी अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बता दें कि ये चारों सीट लोकसभा चुनाव 2024 के बाद खाली हुई है। तरारी से सुदामा प्रसाद, रामगढ़ से सुधाकर सिंह, इमामगंझ से जीतन राम मांझी और बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव विधायक रहे हैं। ये सभी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। अब इनके इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें से 3 सीटों पर महागठबंधन जबकि 1 पर एनडीए का कब्जा था।